देखो ये वाला प्रॉब्लम देखिए आप, टू स्टील बॉल्स ए एन बी आपके स्टील बॉल्स हैं और डायमीटर इनका दे रखा है आपको इनसाइड एन ए ऑफ डायमीटर। ये जो सिलेंडर है इसका डायमीटर मतलब ये डिस्टेंस बना रखी है इसने क्लियरली 54 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये वाली जो लेंथ है। एंड पॉइंट कॉन्टेक्ट पॉइंट एट पी क्यू एन आर दिखा रखे हैं आपको। रेडियस आर ए कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। आर पी क्या है, 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। द मासेज आर एम ए इज 15 kg और एम बी 60 kg है, ठीक है। देन फाइंड आउट द फोर्सेज एक्सर्टेड बाई द फ्लोर एट द पॉइंट क्यू एंड द वॉल एट कैपिटल आर, ठीक है। तो आपका मासेज अगर ये दे रखे हैं आपको एम ए और एम बी, तो आपको फोर्सेज एक्सर्टेड बाई द फ्लोर एट पॉइंट क्यू एंड द वॉल एट आर निकालना है, ठीक है। क्यू पॉइंट और आर पॉइंट पर फोर्सेस कितने लग रहे हैं, तो यहाँ फोर्सेस कौन से, नॉर्मल फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे आप इसको, तो वही आपका नॉर्मल फोर्स सिंपल बेसिक एप्लीकेशन है। जैसे आप देखो क्या एक साथ सिस्टम ले सकते हो, कंबाइंड सिस्टम लेने से चीजें बहुत शॉर्ट आउट होती हैं, आपने पहले क्वेश्चन में भी देखा, ठीक है ना। तुरंत आपके पास एक्सलरेशन आ गया था, और जो टू ब्लॉक्स वाला सिस्टम प्रॉब्लम किया था अपन ने M1 के ऊपर था, तो नॉर्मल फोर्स कितना आ रहा था ग्राउंड से, M1 + M2 × g आ रहा था कि, ठीक है। तो आपका कंबाइंड सिस्टम लेने से चीजें बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो रही है, ये देखा गया कई बार। तो यहाँ पर भी वही है, यहाँ पे भी नॉर्मल फोर्स निकालना है, यहाँ पर भी। तो पहले तो एक बार ये एंगल देख लो, इस एंगल की जरूरत पड़ेगी आपको, तो ये एंगल निकालना था आपको ढंग से। जिसने ये एंगल निकाल लिया उसका प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। कि स्पीयर देखो ऐसे ही तो है, ये C1 C2 कॉन्टेक्ट पॉइंट है, दोनों की लाइन ज्वाइनिंग टू द सेंटर है, ठीक है। इसका आपको रेडियस है 12 सेंटीमीटर और इस वाले का रेडियस है 18 सेंटीमीटर। तो ये अगर मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ यहाँ से देखो, ये तो ये 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, 18 सेंटीमीटर आ जाएगी। कोई डाउट किसी को इसमें बताइए, ये सबको क्लियरली दिख रहा है बेटा। हाँ कनिष्ठ सही कह रहे थे आप, A+B को सिस्टम लिया तो अपने अभी लेंगे उसको सिस्टम, पहले मैं ज्योमेट्री से देख रहा हूँ, ठीक है। कि आपकी यहाँ पर जो ये डिस्टेंस है 18 है, ये 12 है, ये वाली 54 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये वाला कितना हो जाएगा, आपको ये एंगल निकालना है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स आएगा, व्यू कंपोनेंट होंगे सब होगा। तो क्या आप ये एंगल देख पा रहे हैं क्या, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, दोनों की रेडियस का सम, तो ये 30 बन गया। देखो C1 C2 और ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ठीक है। C1 C2 एस मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पर ये C1 C2 कितना 30 आ गया, और ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपकी, ये वाली 54 - 12 + 18 24 आ जाएगी कि नहीं बताइए। 54 - 12 + 18 कितना आ जाएगा आपका, 24 आ जाएगा। अब यहाँ से निकाल दीजिए आप, 30 cos θ = 24, cos θ 24/30, 4/5, 4/5 याद होना चाहिए बेटा सबको, कई बार बोला होगा मैंने पहले, ठीक है। कि sin 37 3/5, cos 37 4/5 फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, मैथ्स में चाहे 37 पूरी जिंदगी यूज ना करो आप, ठीक है, बट फिजिक्स में sin 37 और cos 37 बहुत ज्यादा यूज होने वाले। sin 37 3/5, cos 37 4/5, तो ये थीटा आ गया, ठीक है ना। अब आप वही ये कंबाइंड सिस्टम लेने से देखो डायरेक्ट कोई चीज निकल के आ रही है क्या, आप बताइए मनीषा, इनको कंबाइंड सिस्टम लेने से कोई एक वेरिएबल एन क्यू या एन आर में से कोई डायरेक्ट निकल रहा है क्या, आपको दिख रहा है ये चीज, या दोनों को कंबाइंड सिस्टम लेने से A+B को अगर मैंने कंबाइंड सिस्टम ले लिया तो क्या आपको एक कोई चीज डायरेक्ट निकल के आ रही है क्या। देखो ये मास वास मैंने लिख रखा है, 15 किलो का ही था, ये 60 किलो का ही था, ठीक है। हाँ तो कौन बताएगा, इसने तो बता ही दिया कनिष्ठ ने, और सिद्ध आप बताइए इसमें कंबाइंड सिस्टम लेने से कोई चीज निकल रही डायरेक्ट, सर नॉर्मल फोर्स आ जाएगा ना इनके जो बीच में लग रहा है। बीच वाला आएगा कि ये वाला आएगा, बीच वाला तो कैसा आएगा कंबाइंड लेने से, तो इंटरनल हो गया। हाँ सर एनक्यू वाला आ जाएगा। हाँ एन क्यू वाला, हितेंद्र ये बात क्लियर है बेटा, देखो कंबाइंड सिस्टम लेने में तो दिक्कत नहीं कर रहे हैं आप। देखो दोनों को कंबाइंड सिस्टम लिया तो FBD ऐसा ही बनेगा कि नहीं, FBD ऐसा ही बनेगा कि नहीं, इस वाली वॉल से NP आएगा, ठीक
ठीक है, यहाँ वाली वॉल्स है एनआर, तो ये दोनों सरफेसेस के परपेंडिकुलर आएंगे बेटा, कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर पुश करना है, ठीक है ना। तो मैं एक आपको थोड़ी देर बाद बताने वाला था नेक्स्ट में, लेकिन अब भी एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए, आपको मैंने सिखा रखा है, बहुत ध्यान से सुनिए बात, इसमें अगर डाउट आ जाता है कहीं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ब्लॉक है इस तरह का और ये कॉन्टेक्ट सरफेस है, ठीक है, तो आपको दिख रही है सरफेस एकदम क्लियर है, तो आपने बोला इस सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में लग जाए, ठीक है ना। तो इसको अगर सिस्टम ले रहे हैं तो ब्लॉक को आपने वर्टिकली अपवर्ड पुश करो, ठीक है ना। बट कई बार बेटा ये दो सरफेसेस का कांटेक्ट नहीं होता है, बल्कि एक पॉइंट और एक सरफेस का कांटेक्ट होता है, जैसा एग्जैक्टली यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको देखिए, इसलिए मैं पहले ये बताना चाह रहा था, कोई बात नहीं, यहाँ से बता दिया, तो ध्यान रखेंगे सब इस एग्जाम्पल की इम्पोर्टेंस, ठीक है, जब भी रिवाइज करेंगे। जैसे ये आपकी रॉड कई बार ऐसे रखी होती, देखे हमने ऐसे क्वेश्चन बहुत होते, ठीक है, रॉड इस तरह से रखी हुई, रॉड इस तरह से रखी हुई, ठीक है। तो फिर से यहाँ पर दो सरफेसेस का कांटेक्ट नहीं है, एक पॉइंट और एक कांटेक्ट सरफेस का कांटेक्ट है, पॉइंट और सरफेस। तो ऐसी सिचुएशन में नॉर्मल रिएक्शन का रूल क्या है कि आपकी जो एक्सटेंडेड सरफेस होगी, एक्सटेंडेड सरफेस का किसको बोलता हूँ मैं, जो सरफेस आपको दिख रही है क्लियर, ठीक है ना। इसकी आपको सरफेस क्लियर नहीं है क्या, ये लोगे सरफेस, ये लोगे, कोई क्लियरिटी नहीं है रॉड के, बट ये सरफेस तो क्लियर है ना। तो आप क्या करोगे, इस एक्सटेंडेड सरफेस के परपेंडिकुलर ही नॉर्मल रिएक्शन लगे, ठीक है ना। तो आपको ये डाउट ना आ जाए कभी कि सर ने कहा था सरफेसेस, यहाँ तो एक पॉइंट और सरफेस कॉन्टेक्ट, ठीक है। एक्सटेंडेड सरफेस मतलब किसको कह रहा हूँ मैं, जो सरफेस आपको क्लियर, ये सरफेस क्लियर है, तो आप बस इसके नॉर्मल फोर्स में, अब क्योंकि इसको सिस्टम ले रहे हैं तो इसको पुश करेंगे तो इस डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर भी पॉइंट कांटेक्ट और सरफेस कांटेक्ट है, तो पॉइंट सरफेस तो ड्यूबियस होता है, उसको नहीं दिखता है हमको, बट जो सरफेस क्लियर है, ठीक है ना, उसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ, एक्सटेंडेड सरफेस कह रहा हूँ, तो उससे नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल क्लियर है, इस सरफेस के, इस लाइन के, जो कि बेसिकली इस केस में टेंजेंट बनी हुई है, उसके परपेंडिकुलर आएगी, अब क्योंकि टेंजेंट के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होता है, तो ये दोनों फोर्स कहाँ से निकलने वाले हैं, सेंटर से निकल, ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पर आपको कांटेक्ट है इस तरह का, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, इसमें दोनों ही पॉइंट कांटेक्ट है, ठीक है। तो रूल क्या है पॉइंट कांटेक्ट का, पॉइंट कांटेक्ट का रूल क्या है, अगर आपका मान लो इस तरह के पॉइंट कांटेक्ट होता है दोनों ही रॉड का, ठीक है, इस तरह से पॉइंट कांटेक्ट होता है, तो आपको इसमें डायरेक्शन क्लियर नहीं होती बेटा जा, ठीक है ना, इस तरह की। तो यहाँ पर स्पीयर के केस में ऐसा हो गया है कि आपने टेंजेंशियल सरफेस कांटेक्ट मान ली, ठीक है ना। तो दो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट के केस में यहाँ पर दोनों का एक तरह से पॉइंट कांटेक्ट है, बट स्टिल क्योंकि स्पीयर है, तो जो दोनों सरफेस के नॉर्मल जा रहा है वो एक ही नॉर्मल जा रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आप यहाँ पर ले सकते हो बस कि इस यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगी इसी सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, तो जो कॉमन पॉइंट पर अगर सरफेस अज्यूम कर लें तो नॉर्मल एक ही डायरेक्शन में जा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं, बट यहाँ देखो यहाँ पर क्लियर ही नहीं है नॉर्मल किधर है, ठीक है, एक तो दोनों पॉइंट कांटेक्ट है, सरफेस नहीं दिख रही, तो ऐसे केस में आप बता ही नहीं सकते बेटा नॉर्मल किधर है, तो आपको अज्यूम करना पड़ता है एन एक्स और एन वाई, ठीक है ना। अब कोई और डेटा आपको दे रखा होगा उससे आपको पता पड़ेगा एन एक्स कितना है, एन वाई कितना, ठीक है। इस तरह का जब दोनों पॉइंट कांटेक्ट हो, स्पीयर्स के अलावा, स्पीयर्स होंगे तो वो जो दो स्पीयर कांटेक्ट में आ गए यहाँ पे इत्तेफाक से ऐसा हो गया, ठीक है, तो नॉर्मल दोनों का क्योंकि एक ही हो जाएगा, क्लियर है आपको। तो यहाँ पर आप बिल्कुल मान सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यही है, इसी लाइन के अलॉन्ग होगा, ये इस पे इधर लगाएगा, इस पे इधर लगा, बट ऐसी सिचुएशन में तो आप बता ही नहीं सकते किधर में नॉर्मल, ठीक है। तो इस केस में क्या करते हैं, एन एक्स एन वाई मान लेते हैं, बाकी जो कंडीशन है फोर्स बैलेंसिंग है उससे निकल के आते हैं, इस तरह का है एक पॉइंट और एक्सटेंडेड सरफेस, तो एक्सटेंडेड सरफेस के परपेंडिकुलर लगा दें, ठीक है ना। स्पीयर्स हैं कांटेक्ट में, तो स्पीयर्स में दोनों स्पीयर्स एक दूसरे पर जो कांटेक्ट सरफेस के नॉर्मल होगा वो एक ही के अलॉन्ग आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ के केस में आपको डायरेक्टली आप बोल सकते हैं नॉर्मल फोर्स ऐसा है, ठीक है, नहीं तो यहाँ नहीं बोल सकते हैं आप, यहाँ पर बोलेंगे इस तरह की सिचुएशन में, जैसे यहाँ पर एक सरफेस और पॉइंट, तो आप एक्सटेंडेड सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, अभी इन बातों को अपन अलग से भी शायद बता देते हैं एक वीडियो में, ठीक है, जो इसके पहले रख देंगे अपन, इस क्वेश्चन के पहले उसको पुट करें, अभी फिर से आएंगे। चलो एक बार तो बता दिया मैंने आपको, यहाँ भी ध्यान, ठीक है।
तो आप क्या कह रहे हैं, आपको ये क्लियर हो गया है कि आपके नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस कैसे लगाने हैं, तो वही एपीडी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया आपके लिए। तो इधर से एनपी आ जाएगा, इधर से एनक्यू आ जाएगा, इधर से एनआई, ये एक्सटर्नल है। तो देखो आप इसके बाद नॉन, ये तो सारे कॉन्टेक्ट फोर्सेज हो गए, एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेज क्या होगा, पूरे वेट का, पूरे सिस्टम का वेट, ठीक है। तो अगर वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करेंगे तो वर्टिकल में तो एनक्यू और डब्ल्यू के अलावा कुछ आई नहीं। मनीषा आप मिस्टेक कर रहे थे क्या बेटा, इस बात पे बताइए। वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंसिंग क्लियर है, एनक्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू, इसमें किसी को डाउट हो तो बताइए मुझे पहले। आयुषी क्लियर है आपको ये? यस सर। आशीष कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको एनक्यू इक्वल्स टू वेट में, बताइए। सर हाँ लक्षित आप बताओ। सर ये जो ए मास है वो एंगल पे है तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा? एक मिनट, कौन सा मास एंगल पर है आप मुझे ये बताइए, कौन सा मास कह रहे वाला, कौन ए से वाला किसके साथ एंगल पे? इस पे के वो सेंटर दोनों अलग अलग है ना उसके, हाँ थर्टी अलग अलग, सेवन डिग्री पे। हाँ बिल्कुल है, लेकिन आप इस कांटेक्ट सरफेस से नॉर्मल रिएक्शन लगाने के लिए सरफेस के परपेंडिकुलर करेंगे कि नहीं करेंगे बता। यस सर। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर तो इस ऐसे ही जाएगा ना, इसमें अलग क्या आ रहा है, इसमें आप कहाँ कंफ्यूज हो, ये टेंजेंट है, हमेशा टेंजेंट रेडियस के टेंजेंट का परपेंडिकुलर हमेशा रेडियस ही होता है, तो रेडियस हमेशा सेंटर से पास होता है, बताइए। ये तो नहीं नॉर्मल अभी रिएक्शन, जो एनक्यू निकला था ना उसमें मैं को बोल रहा हूँ एंगल निकाला था उसमें क्या बोल रहे हैं? एनक्यू एनक्यू। अच्छा एनक्यू, तो एनक्यू का भी वही है कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, इसमें डाउट कहाँ आ रहा है, टेंजेंट है, टेंजेंट का परपेंडिकुलर रेडियस, रेडियस सेंटर से, बताओ एनक्यू में क्या दिक्कत आ रही है? जैसे एनपी और एनआर है सेम बिल्कुल एनक्यू, अच्छा ठीक है ना। टेंजेंट यस स्पीयर का हमेशा परपेंडिकुलर होगा, टेंजेंट के परपेंडिकुलर हमेशा रेडियस होगी और रेडियस हमेशा सेंटर से पास, क्लियर है आपको? यस हाँ सर। ओके बेटा। तो ये एन क्यू किसके बराबर आ गया, वेट के बराबर आ गया आपके पास, एम ए प्लस एम बी इंटू जी, तो 750 न्यूटन आपका एन क्यू की वैल्यू है, ठीक है। और एक चीज आप और देख सकते हैं कि एन पी विल बी इक्वल टू एन आर, अगर कोई पूछ ले हॉरिजेंटल में फोर्स बैलेंसिंग कर लें तो एन पी और एन आर दोनों क्या होंगे, बराबर होने चाहिए, ठीक है। अब बच गया आपके पास एन आर, ठीक है। तो अब क्या सिस्टम ले सकते हैं, देखो इसको लोगे तो भी आप निकाल सकते हो कि एनपी निकाल सकते हो और एनपी और एनआर बराबर, तो आपकी मर्जी है किसको लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपने बी को ही ले लिया, इंडिविजुअल को तो लेना पड़ेगा क्योंकि सिस्टम खत्म, एक आप क्या करते हैं जितने सिस्टम ले सकते हैं जितने तरीके से ले लिया, अब आपने कंबाइन लेके तो एक चीज निकाल ली, ठीक है ना, और उससे दोनों इक्वेशन लिख के देख ली, उससे एनपी निकल पा रहा है एनआर तो नहीं निकल पा रहा है, तो अब आप क्या करेंगे और सिस्टम लेंगे, और सिस्टम के लिए आप फिर टुकड़े करने पड़ेंगे सिस्टम, ठीक है ना। तो हो सकता है उससे निकला है, तो आपने बी को सिस्टम लिया, बी पर आप एपीडी ड्रॉ करोगे तो बी पर कौन कौन से फोर्सेज आ रहे हैं, एक तो ये आ रहा है, एक आपका यहाँ से नॉर्मल फोर्स आ रहा है, एक इस कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर जो इसके सेंटर से पास हो, ठीक है ना। ये रहा देखो ये नॉर्मल फोर्स आ रहा है, मैंने और क्लियरली बनाने की कोशिश करी है यहाँ पर, एन क्यू एन आर वेट हो गया, और ये जो नॉर्मल फोर्स पासिंग थ्रू द सेंटर, ये थीटा आपने निकाला ही था 37, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये इसका एफबीडी बन गया, कहीं कोई जा नहीं रहा है, सिंपल फोर्स बैलेंसिंग है, ठीक है। तो क्या होगी फोर्स बैलेंसिंग, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आर हो जाएगा, बैलेंसिंग अलोंग हॉरिजेंटल डायरेक्शन, आप हॉरिजेंटल डायरेक्शन में बैलेंसिंग कर, ठीक है। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में बैलेंसिंग से एफ इक्वल टू एम ए से क्या आ रहा है, देखो दो ही फोर्स आ रहे हैं हॉरिजेंटल, बोलो कोई दिक्कत है क्या, इस पर इस बॉडी पर हॉरिजेंटल में एन आर आ रहा है, एक एन कॉस थीटा आ रहा है। अरे वनीषा आपने बताया नहीं बेटा, आपको क्लियरिटी आ रही है कि नहीं इस एफ पी डी पर, या ज्योमेट्री में कहीं फंसे हुए तो नहीं आप बताइए। नो सर। ओके हाँ लक्षित, लक्षित ये क्लियर है बेटा, डायग्राम देखना इसमें कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है एंगल को लेके? नो सर। हाँ टेंजेंट का परपेंडिकुलर रेडियस जो होती है रेडियस सेंटर से जाती है, ठीक है क्लियर है, सब में यही हो रहा है इसमें, एन क्यू एन आर एन, तो आपने एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एन आर कर दिया, और फिर आप वर्टिकल में बैलेंसिंग कर दीजिए क्योंकि एन अननोन हो गया ना बेटा, थीटा तो पता है लेकिन अब एन चाहिए, तो एक और आप इक्वेशन ट्राई करिए वर्टिकल में बैलेंसिंग से कहीं आ जाए वहां से, तो फिर आपने देखा कि वहां से तो सही में आ गया क्योंकि एन क्यू आपको ऑलरेडी पता है, देखो एन साइन थीटा
प्लस डब्ल्यू इक्वल टू एन, एन साइन थीटा प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू में अब एम बी को सिस्टम लिया है केवल, तो एम बी जी आए, ठीक है। तो आपने देखा है तो बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि एन क्यूब पता है, सब पता है, ठीक है। तो एन आ जाएगा, एन कितना आया 250, इसको उठा के यहाँ रखू, तो 250 इंटू 4/5 कितना आ गया 200 न्यूटन आपका एन आ रहा है। यहाँ से जो नॉर्मल फोर्स आ रहा है कितना आ रहा है 200 न्यूटन आ रहा है, ठीक है। तो ये बात क्लियर है क्या बेटा आपको, ज्योमेट्री में या इस तरह की कॉन्टेक्ट सरफेस पर इस तरह का कोई डाउट तो नहीं है आपको, ठीक है। अब मैं एक बार और ब्रीफ कर रहा हूँ, उस वीडियो को मैं इसके पहले डाल दूंगा, कि जो नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन है नॉर्मल सर्फेसिस के केस में तो क्लियर होती है, ठीक है। तो एक बार देखते हैं, फिर देखो यहाँ तक बताओ पहले, किसी भी स्टेप पे कोई डाउट, प्रथम कोई कंफ्यूजन बेटा कहीं? सचिन आप बताओ, ओके बेटा। आयुष आवाज आ रही है आपको बेटा? पर बच्चे सुनते नहीं है, रिप्लाई नहीं करते यार, है देर से रिप्लाई करते हैं। आयुष पता नहीं है कि नहीं वहां पे, ओके बेटा वेरी गुड।